एक्टर जो 50 से 60 लाख रुपए फीस लेता है, वो एक्टर जिसने हिट फिल्में दी है, वो एक्टर जो बिग बॉस सीजन 6 का कंटेस्टेंट भी रह चुका है। इस बार ये एक्टर काम को लेकर सुर्खियां नहीं बटोर रहा, बल्कि अपनी एक गंदी हरकत की वजह से खबरों में बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है वो एक्टर, तो आपको बता दें ये कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर निरहुआ है, जिन्हें दिनेश लाल यादव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल लंदन जाते समय एक्टर ने फ्लाइट में एक एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी। जब निरहुआ अपने साथी भोजपुरी एक्टर्स के साथ यूके में एक भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निरहुआ नशे की हालत में धुत थे। इस दौरान वो जोर से चिल्लाने लगे। जब एयर होस्टेस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने बदतमीजी कर डाली। एयर होस्टेस उनकी शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन निरहुआ ने माफी मांग ली और ये मामला ठंडा पड़ गया और वो जेल की हवा खाने से बाल बाल बच गए। आपको बता दें निरहुआ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं और वो काफी अच्छे एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने फिल्म पटना से पाकिस्तान, राम लखन, रखवाला, शिवा 2 जैसी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, निरहुआ को मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 10 में मोनाली संतरा और विक्रांत सिंह राजपूत की शादी में शिरकत करते हुए देखा गया था। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।